नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं। मैं विनीता शर्मा और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बिजली की दरें बढ़ाकर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा करते हुए 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने के साथ ही 115 रुपए स्थायी शुल्क बढ़ाकर आम उपभोक्ता की जेब पर 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाला गया है। वहीं विद्युत नियामक आयोग की बिना अनुमति के फ्यूल चार्ज, जजिया कर व एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर 1,200 करोड़ रुपए का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आम जनता के कुठाराघात करते हुए 1 फरवरी 2020 से 25 से 35% तक 15 से 25% तक विद्युत दरों बढ़ाई है और साथ में 95 पैसे प्रति यूनिट रेट बढ़ाई है और 115 रुपये फिक्स चार्ज पे बढ़ाए हैं। ये एक आम जनता पे कुठाराघात हैं। आम जनता के साथ में जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव का, उस समय ये उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 5 साल तक बिजली रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अत्याचारवश भारत राजस्थान की जनता को असहनीय दुख देते हुए भारी भरकम रेटें बढ़ाई है। आज तक इतिहास में इस प्रकार की नहीं बढ़ी है। करीब 1,800 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार जनता पे पड़ा इस विद्युत दर पे। ये ऐसे नहीं है। हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि विद्युत दरें जो बढ़ाई है तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना ये जन आंदोलन करेंगे जिसकी सारा खामियाजा राजस्थान सरकार का होगा। वहीं तारानगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर अध्यक्ष जमरदीन तेली के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दर के विरोध में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने जो बिजली की दरें बढ़ाई उसके विरुद्ध में आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे राजस्थान भर में और हम तारानगर में भी SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है और इस दर को वापस ले सरकार। और गरीब किसान जितने भी लोग हैं सब पर इतना भारी वजन डाल दिया गया, असहनीय है। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि जो दरें बढ़ाई ये वापस ले। सरदार शहर में भी आज अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ और केंद्र सरकार के किसान विरोधी बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर बिजली आदेश की प्रति जलाई। इसके साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान सभा और उपखंड अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच धरना स्थल पर वार्ता हुई, जिसमें किसानों ने मांग रखी कि कुओं पर जो बिजली कटौती की उसकी भरपाई की जाए। वार्ता में सहमति नहीं बनी जिसके कारण किसान सभा ने धरना जारी रखने का कहा। तो मतलब कि राजस्थान सरकार बिजली को जो बजट बढ़ाया भी बजट के माँ मतलब किसाना के मतलब पीछा बढ़ा दिया तो दिंगे विरोध के माँ मतलब पर्चियाँ चलाई है पूरा मतलब राजस्थान के माँ जो मतलब विरोध है और कई भी दिन मांगा न लेके केंद्र सरकार जो बजट बनायो कि बजट को भी विरोध है और मतलब जो कुआ को जो लोड बढ़ाईड़ो है भी लोड के संबंध के माँ मतलब हमारी मतलब मांग किसान सभा की मांग है कभी जज ताई ट्रांसफार्म पूरा नहीं मिले बड़ो नहीं मिले जब तक मतलब बिल नहीं आना चाहिए। मैं कह करें पहली बिल भेज दी वास्ते मतलब आम सबसे बड़ी मांग है। एक की किसाना की इसकी बिजली की कटौती करी है हर महीने का माँ मतलब हर रोजाना दो दो घंटा कटौती करी है। आज मतलब गर्मी को मौसम आ गया इसमें फसल में नुकसान होने लग रही है। एक तो वहाँ पीछे की जगह कटौती कर रही है वहाँ सारी मांग है इसकी वहाँ पूरी होनी चाहिए और आगे मतलब कटौती नहीं होनी चाहिए। ये वास्ते मतलब आम मतलब बड़ी मांग है। आज तो मतलब एक दिन को धरना दिए है और इन्हें बाद के मामले एक जो फसल बीमा है पिंग हम लोग क्लेम जो बाकी पूरे 18 को वो जियो को नहीं पिंग बारे में बड़ी मांग है और मतलब आगे धरना प्रदर्शन भी करशा इनके लिए मतलब बड़ी आगे प्रयास करशा जे सरकार मान ले इन चीज़ ने कर ले तो मतलब ठीक है। इन वास्ते मतलब वो धरना प्रदर्शन है एक दिन को। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज चूरू कलेक्ट्रेट के सामने भी प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र ने जो बजट पारित किया है उसमें किसानों को कुछ नहीं दिया गया, इससे किसान काफी आहत है। साथ ही उनकी मांग है कि जो बिजली की दरें बढ़ाई गई है उसे भी राजस्थान सरकार वापस ले क्योंकि इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। साथ ही रसोई गैस के दाम एक साथ बढ़ाए गए हैं, उनका भी किसान विरोध करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा मांग करती है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों को कोई तरह की राहत नहीं दी गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाए
और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए और आज ही गैस सिलेंडर की जो रेटें बढ़ाई है वो बिल्कुल वापिस ली जाए। वहीं जिला मुख्यालय पर आज महिला कांग्रेस सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को रसोई गैस के दाम बढ़ाने के विरोध में ज्ञापन दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला सिंघल ने बताया कि जो घरेलू रसोई गैस के 150 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं उन्हें तुरंत वापस लिए जाए। ज्ञापन के दौरान पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो हमारी मांग है वो गैस सिलेंडर में जो मूल्य की वृद्धि हुई है 145 से 150 रुपए की अचानक और बढ़ोतरी करना, इसमें आज महिला कांग्रेस की ओर से पूरे देश भर में ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी हिसाब से चूरू में भी हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज वार्ड नंबर 55 में एक घर में सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त लगी कि जिस कमरे में सिलेंडर रखा गया था उस कमरे के परखच्चे उड़ गए। खिड़की दरवाजे लगभग 50 से 60 फीट दूर जाकर गिरे तो वहीं कमरे की दीवारों में दरारें आ गई। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। घायल दंपति नंदलाल व उनकी पत्नी उमा को तुरंत ही राजकीय डीबी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी नरेश गेरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम सभी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने कहा कि FSL टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच करवाई जाएगी। आज सुबह वार्ड नंबर 55 सोती भवन के पास नंदलाल स्नोप डेडराज शर्मा के घर में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। उसकी पत्नी ने जैसे ही सिलेंडर चालू किया तो वो गैस चूल्हा चालू किया तो आग लग गई। आग इतनी तेज़ी से लगी कि उनके पूरे कमरे में आग लग गई। उसे उसकी पत्नी उमा देवी करीबन 70% जल गई है और उसका पति भी करीबन 40% जला है। दोनों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किए गए हैं। जैसे अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थे, जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी जाँच कर अग्रिम कर रही है। ये नंदलाल जी पुत्र डेडराज जी जोशी सोती भवन के पास प्रतिभा नगर, इनके यहाँ मकान के अंदर जो गैस सिलेंडर, जब उन्होंने गैस चालू की तो गैस चालू करते ही अचानक ही इसमें ब्लास्ट हुआ और गेट की खिड़कियाँ और गेट कम से कम 150 मीटर दूर जाके गिरे हैं। अंदाज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाइप आज सही है और सिलेंडर भी सही है, तो ऐसे लगता है कि शायद या तो कनेक्शन या तो चूहे से या किसी प्रकार से गैस लीकेज हुई है और लीकेज होने से इतनी बड़ी घटना हुई है। आज दोनों पत्नी दोनों ही इंजर्ड है और पत्नी कुछ ज़्यादा है तो दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार आज राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र स्थित उप कारागृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रथम ADJ आशीष धादीज, ACGM विजेंद्र कुमार व JM अनिल पारवानी ने उपस्थित बंदियों को उनके कानूनी अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अपराधियों के अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। शिविर के उपरांत पुरस्कृत शिक्षा फॉर्म राजस्थान चूरू इकाई द्वारा उप कारागृह राजगढ़ में बंदियों के लिए पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने की। सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम के पास स्थित मकान में कल देर रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिनेश सारडा ने बताया कि यह मकान मेयर ताऊ जी का है जो कि लखीमपुर आसाम में रहते हैं। वारदात की सूचना पुलिस और मकान मालिक को दे दी गई है। मालिकों के पहुंचने के बाद ही कितनी और किस सामान की चोरी हुई है इस बात का पता लगेगा। जिला रोजगार कार्यालय चूरू द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 700 बेरोजगार आशार्थियों ने भाग लिया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार सहायता शिविर में मुथुत माइक्रोफिन लिमिटेड अजमेर द्वारा 10 और डिजिटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स निमराना अलवर द्वारा 30 आशार्थियों का विभिन्न पदों हेतु चयन किया गया है। साथ ही RSLDC चूरू द्वारा 26 आशार्थियों का विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु चयन किया गया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर स्थित मदीना कॉलोनी में चल रहे 3 दिवसीय इज्तिमा बुधवार को हजारों लोगों की दुआओं के साथ संपन्न हुआ। आखिरी दिन मौलाना चिरागुद्दीन ने अपनी तकरीर में कहा कि हमेशा बड़ों का सम्मान और माँ बाप की कद्र करें, यह सब एक अच्छे इंसान के काम है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, पालिका में प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी, कांग्रेस देहात अध्यक्ष तारासन सारण, SDM रीना छिपा आदि उपस्थित थे। चूरू के प्रयास संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा के ख्यात नाम कथाकार
बैजनाथ पंवार की स्मृति में दिया जा रहा बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए उदयपुर निवासी प्रख्यात लेखक अरविंद सिंह आशिया को दिया जाएगा। आशिया के राजस्थानी कहानी संग्रह काबर चित्रा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रयास संस्थान के अध्यक्ष दुलाराम सहारन ने बताया कि चूरू में प्रस्तावित समारोह में अरविंद आशिया को पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए, शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव द्वारा जिले में कांग्रेस नेता रतनलाल जांगिड़ को सदस्य मनोनीत करने पर आज चूरू की नई सड़क स्थित आवास पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं व मोहल्लेवासियों द्वारा जांगिड़ का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर जांगिड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया। सरस दुग्ध बूथ आवंटन समिति का सदस्य नियुक्त किया है, तो सभी कांग्रेस जनों में और शहर के सामाजिक संगठनों में इस बात से खुशी की लहर है कि एक सीधे और साधारण व्यक्ति को इस काम के लिए राज्य सरकार ने चुना है। हम आभारी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का और पारासर जी का कि उन्होंने एक सच्चे और नेक कार्यकर्ता को ये अवसर दिया। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथी सेवादल के जिलाध्यक्ष रहे भाई रतन जी जांगिड़ को आज राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए इनको जिम्मेवारी दी है। इनके लिए इनको हार्दिक बधाई और माननीय अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी का और पारासर जी का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का, सेवा करने का जो मौका दिया है। इसी श्रृंखला में और भी कार्यकर्ता इसी आस में बैठे हैं, उनको भी आप जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जिला मुख्यालय स्थित डीबीए हॉस्पिटल के मातृ एवं शिशु कल्याण हॉस्पिटल में आज पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा के सुपुत्र विकास शर्मा ने शिशु वार्ड में 2 नेबुलाइजर मशीनें भेंट की है। इस मौके पर डॉक्टर इकराम हुसैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वही विकास ने भी कहा कि भविष्य में अगर इस तरह के उपकरणों की आवश्यकता हुई तो हम पुनः उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ जब मैं हॉस्पिटल, मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, 2 दिन मैंने उसको वहाँ रखा। उस दौरान जब ये नेबुलाइजिंग वहाँ पे एक ही था और मुझे महसूस हुआ कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये मशीन एक है, तब मैंने जाके विचार किया कि अपन को ये नेबुलाइजिंग मशीन हॉस्पिटल को देनी चाहिए। मैंने 2 मशीनें नेबुलाइजिंग की दी है और आगे भी मैंने हॉस्पिटल में कहा है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार रहूँगा। और मेरा यही कहना है सब लोगों को कि अपन अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर स्कूल और हॉस्पिटलों में अगर अपन कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ के करना चाहिए। और हम अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर हॉस्पिटलों में, स्कूल में करेंगे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में आज महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 महिलाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने कहा कि आयोजित कैंप में 33 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। वहीं कैंप में भाग लेने वाली महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा देय प्रोत्साहन राशि भी भेंट की गई। हमारे राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेंद्र में हर मंथ का 13 तारीख फैमिली प्लानिंग का कैंप होता है, जिसके अंतर्गत आज 40 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 7 महिलाओं को हमने खून की कमी के कारण और कुछ 2-3 खून की कमी, 2 पॉजिटिव आ गई और 2 सर्जिकल कारण से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। बाकी 33 महिलाओं का आज ऑपरेशन अपने यहाँ हो रहा है और अभी तक 23 लोगों का हो चुका है, बाकी अभी प्रोसेस में। इसके लिए हमारे यहाँ डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब सर्जन टीम आए हैं। हमारे स्टॉप से हमारा गवर्नमेंट का अनुबंध है, जिसके तहत डॉक्टर एमएल अग्रवाल और डॉक्टर वीएस वोरा एनएसएस आई में। सरदारशहर में यातायात पुलिस के द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन, घंटाघर सहित अनेक स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस के नरेंद्र दहिया ने बताया कि बिना हेलमेट 2 से ज्यादा सवारी बैठाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने व अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सरदारशहर के वार्ड नंबर 14 बापा सेवा सदन के पास बनी गिराणी व उसके आसपास फैली गंदगी को लेकर मोहल्लेवासियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले के भानु प्रकाश दानोदिया ने बताया कि गिराणी पर सफाई व्यवस्था नहीं होने के चलते मोहल्लेवासी काफी परेशान हैं। गंदगी का आलम यह है कि यहाँ पर मच्छरों की भरमार है, जिसके चलते महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वार्ड के निरंजन धानका ने बताया कि यह समस्या पिछले लंबे समय से बनी हुई है। नगर पालिका प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। नगर पालिका, नगर पालिका, सरदार सर ने
नगर पालिका, सरदार सिंह नगर पालिका। समस्या सदा से आज नहीं है, बोला सार हो गया माना आज समस्या रहती नहीं। मारा बच्चा भी खेलने गंदगी कमाई ने और गंदगी स्कूल ले लिया ट्रकड़ा को जा गाँव का ले लिया गंदगी गिरावा सारे नालों कोई काटे ना आवे को नहीं काटे हो तो वो उठाए को नहीं कहीं बटी पड़े बहुत समस्या मारे मैं बरसे तो मारा समस्या बहुत हो और अब ये नहीं तो मारा बच्चा नाली में पड़ जा तमरू गाड़ा पड़ा है कोनी बाकी कोई समस्या कोनी कोई मारो अधिकारी नहीं है हमारी सुन सके कोनी कोई कोई कौन सुनाई कमाई ने वोटा में एक बार आना कह थारो वो काम करा जाए वो काम मारो कोई काम कौन करावे कोई आगे माने संभाले कोनी आके कोई आगे कौन संभाले कह थारे के परेशान है के नए है हैं कोई खम्मा को लोटियो बुझ जा तो वो भी माना आगे चैन रो कौन कर सके कोई वो भी मैं नहरा बैठा रहा हैं और फिर के काम करा बाकन हैं मैं मांगा दस भाई मारे क्यों कोनी आवे आपको नाम है सावली लिखा एकदम निरस्त है कोई तरह की यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ गंदगी इतनी गंदगी है कि 10-15 दिन तक नालियाँ अभी नाली भरी पड़ी है और कोई तरह की मतलब यहाँ पे और नाली निकल गई तो उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है और ट्रैक्टर खाली आते हैं तो भर के दूसरी जगह से आकर के यहाँ रिता के जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है कि ये बापा शिवंद के पीछे जो जमे इसमें लगभग 15-20 बीघे में ये गिनानी हो रही है और इसका ठीक से कोई समाधान नहीं हो रहा है जिसके कारण पूरे 15-20 बीघा के अंदर ये पानी फैला हुआ है और जिसके कारण पूरी तो ज़मीन ख़राब हो गई है और ये इतने इसमें पेड़ पौधे हो गए हैं कि डेली इनमें कोई ना कोई वारदात होती रहती है और इतनी अधिक गंदगी हो गई है कि मोहल्लों वासियों का यहाँ रहना एकदम दुश्वार हो रहा है। इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। चूरू के गायत्री शक्तिपीठ में आज गायत्री परिवार द्वारा पूर्व जिला संयोजक पूर्णाराम सीलू को श्रद्धांजलि स्वरूप यज्ञ का आयोजन किया गया। राम सिंह राठौर के सानिध्य में आयोजित यज्ञ में गायत्री परिवार के अनेक सदस्यों ने आहुतियां दी। दुष्कर्म की घटना के 20 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज सरदार शहर के गांधी चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ओंकार वाली ने बताया कि तहसील के एक गांव में दुष्कर्म की घटना हुई लेकिन घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन जल्दी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यहाँ पास ही सरदार तहसील में गाँव है, उस गाँव के अंदर एक दलित बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया। आज लगभग 20-25 दिन हो गए, अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया तो हम लोग परेशान होकर यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पुलिस किसी भी तरह उनको गिरफ्तार करे। अगर कार्रवाई पुलिस अगर जल्दी पकड़ने में कामयाब नहीं होगी तो तहसील स्तर पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जन सुनवाई में लोगों की फरियाद सुनी और मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अतिक्रमण, सफाई जैसे मसलों पर विभिन्न शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राज्य सरकार के दिशा निर्देश की पालना में जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण किए जाने हेतु आम शिविर लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार अब दिव्यांग पेंशन, एकल नारी पेंशन एवं वृद्धजन को पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब प्रत्येक माह की 5 और 25 तारीख को पेंशन आहरण शिविर के रूप में आयोजित होगा और इन दोनों तारीखों को बैंकिंग कर्मचारी व बैंकिंग सहायक ग्राम पंचायत में स्थित राजीव निर्माण केंद्र पर जाकर उक्तानुसार वितरण कार्य सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों प्रत्येक सीमांत जिला कलेक्टर महोदय ने अभी त्वरित निर्देश जारी किए जिसमें प्रत्येक माह की 5 और 25 तारीख को पेंशन आहरण शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक बैंकों के कर्मचारी एवं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स जिन बैंकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के खाते हैं वो वहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य निर्माण सेवा केंद्र पर जाएंगे और उनका वितरण कार्य सुनिश्चित करेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी लेकिन जबकि इसके साथ साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। ये था आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।